देश के सबसे बड़े एडटेक प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला में इन दिनों सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। फिजिक्स वाला में पढ़ाने वाले कुछ टीचर्स इस प्लेटफॉर्म से अलग हो गए हैं। आप कहेंगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, लोग इधर से उधर नौकरी तो पकड़ते रहते हैं। बड़ी बात इसलिए है कि मामला टीचर्स वर्सेस टीचर्स हो गया है। फिजिक्स वाला छोड़ने वाले इन टीचर्स का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में टीचर्स रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बता रहे हैं कि प्लेटफॉर्म छोड़ने के बाद उन पर पैसे लेने के झूठे आरोप किस तरह लगाए जा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं SSN मीडिया। आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले SSN मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। एक वीडियो में 3-4 टीचर्स नजर आ रहे हैं। उनके नाम हैं तरुण कुमार, मनीष दुबे, सर्वेश दीक्षित, आदित्य आनंद। इन सभी ने इसी महीने अपना एक अलग से YouTube चैनल बना लिया है। इसी चैनल पर टीचर्स ने वीडियो अपलोड किया है। उनका कहना है कि फिजिक्स वाला छोड़ने के बाद उन पर दूसरे प्लेटफॉर्म अड्डा 247 से 5 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया जा रहा है और उन्हें बच्चों की नज़र में बदनाम किया जा रहा है। हालांकि फिजिक्स वाला का कहना है कि ये टीचर्स ही संस्थान को बदनाम कर रहे हैं। फिजिक्स वाला के फाउंडर अलक पांडे हैं। साल 2016 में JEE और NEET की तैयारी के लिए एक यूट्यूब चैनल बनाया जिसका नाम फिजिक्स वाला रखा। बाद में GATE, UPSC, SSC, CA जैसे कई एग्जाम की तैयारी करवाने लगे। यह यूट्यूब चैनल इतना ज़्यादा चल पड़ा है कि यह एक यूनिकॉर्न कंपनी बन गई है। अभी फिजिक्स वाला के 39 अलग अलग यूट्यूब चैनल हैं और 1 करोड़ से ज़्यादा इनके ऐप पर डाउनलोड्स हैं। फिजिक्स वाला छोड़ने वाले टीचर्स का कहना है कि उन्होंने 1-2 महीने पहले ही प्लेटफॉर्म छोड़ने के बारे में बता दिया था। साथ ही यह भी कहा था कि वे कोर्स पूरा करेंगे। तरुण कुमार, मनीष दुबे और सर्वेश दीक्षित का कहना है कि उन्होंने एक साथ इस्तीफा दिया था। तरुण कुमार का कहना है कि मैं अब फिजिक्स वाला के प्लेटफॉर्म पर नहीं पढ़ाऊंगा, ये मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। जिस प्लेटफॉर्म को मैंने अलग सर के साथ दिन रात लगकर बनाया उसे छोड़ना बहुत ही मुश्किल था। अब वहाँ का सिस्टम वैसा नहीं रह गया था। एक और वीडियो में तरुण कुमार कहते हैं कि आपकी कंपनी फिजिक्स वाला 2000 करोड़ की है, 300 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है, ये पैसे बच्चों को दे दो और फ्री कर दो सब कुछ, ऐप पर फ्री में पढ़ाओ, मैं तैयार हूँ पूरी जिंदगी फ्री पढ़ाने के लिए। इसी तरह आदित्य आनंद वीडियो में चिल्लाते हुए कहते हैं, बच्चों तुम लोगों को पता होगा मैंने 10 दिन क्लास नहीं लिया था। मैंने उनको उसी टाइम बोला था कि कोटा में हंगामा हो रहा है, बच्चे मर रहे हैं, इन लोगों ने बच्चों के पैसों को बर्बाद कर दिया है, मैं पहला टीचर हूँ, हमने खड़ा किया है प्लेटफॉर्म को, दम है किसी को तो बोलो, खत्म हो जाओगे तुम, 1 रुपया नहीं लूंगा लेकिन बच्चों को पढ़ाऊंगा, 1-1 सबूत दिखाऊंगा, सब चीज है अलग सर, गलत कर रहे हो। इसी तरह मनीष दुबे ने कहा कि मैंने भी फिजिक्स वाला छोड़ दिया है। हम लोगों ने इस प्लेटफॉर्म को बनाने के लिए खूब मेहनत की थी, स्वास्थ्य के साथ समझौता किया था। अब ऐसे लोग सिस्टम से जुड़े थे जो पूरी तरह प्रोफेशनल थे, बहुत कम लोग थे जो भावनाओं के साथ जुड़े थे, जिस विजन को लेकर जुड़े थे, लगा कि वो बदल रहा है। बच्चे जिस विश्वास के साथ आ रहे हैं वो हम उनको नहीं दे पा रहे थे, राजनीति ज़्यादा हो रही थी, जिस उद्देश्य से जुड़ा था वही खत्म हो रहा था, इसलिए अलग हो गया। इस पूरे बाउंडर पर फिजिक्स वाला का कहना है कि इससे पहले भी काफ़ी फैकल्टीज आती जाती रही हैं लेकिन इस तरह से कोई बदनाम नहीं कर रहा था, उन्हें तो अच्छे करियर की शुभकामनाएं दी जाती थी। संयम बडोला ने बताया कि साल 2020 में अनअकैडमी के कई टीचर्स को तोड़ने की कोशिश की, कई टीचर्स गए भी। इस बार जिन्होंने वीडियो बनाया है उन्हें सबसे ज़्यादा सैलरी दी जा रही थी, इसके बावजूद वे लोग संस्थान को बदनाम कर रहे हैं। इस सारे घटनाक्रम में गलत चाहे फिजिक्स वाला हों या वो टीचर्स हों, लेकिन इसमें बच्चों का नुकसान कभी नहीं होना चाहिए। ऐसे ही रेगुलर वीडियोज के लिए SSN मीडिया चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।